కేసీ వేణుగోపాల్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. Till the parliament election is over, already we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. 20th, day after tomorrow, 12:30 is there swearing in ceremony along with the chief minister and deputy chief minister. A group of ministers also will be sworn in that day. Okay, thank you. नमस्कार साथियों, जैसा कि आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश में भव्य जीत का सेहरा असल मायनों में 6.5 करोड़ कर्नाटक के भाई बहनों के सर पे है, क्योंकि ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, सही मायनों में हर कन्नड़िगा की जीत है, इस देश के प्रजातंत्र की जीत है, इस देश के संविधान के मूल्यों की जीत है और उन ताकतों की करारी हार है जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक परंपराओं को बुलडोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं। इस देश के हर गरीब की जीत है, इस देश के मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है, इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है। संगठन के लिहाज से इस जंग की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हुई, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, जिसने सही मायनों में कर्नाटक में 21 दिन राहुल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संगठन को एक नई ताकत दी। उसके बाद सिद्धारमैया जी, डीके शिवकुमार जी और कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजा ध्वनि यात्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने एक महीने तक न दिन देखा न रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उससे चुनाव को ताकत मिली। श्री राहुल गांधी जी के धुआंधार चुनाव प्रचार, उसने एक बार फिर नई ऊर्जा चुनाव को दी और प्रियंका गांधी जी का लगाव अपनापन और जबरदस्त प्रचार, उसने भी चुनाव को एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूरे देश से कांग्रेस के नेताओं ने, ऑब्जर्वर्स ने, इंचार्जेस ने, मुख्यमंत्रीगण ने, एक एक कांग्रेस के काडर ने इकट्ठे होकर यह लड़ाई लड़कर यह दिखाया कि कांग्रेस संगठित होकर यह लड़ाई लड़ सकती है। सिद्धारमैया जी ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। डीके शिवकुमार जी, जिनका चुनावी संगठन में उनका माहिरपन, उनकी काबिलियत के लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने जहां उन्हें कमी लगी वो सारा गैप भर के एक नई ताकत का संचार चुनाव को दिया। तो ये जीत कांग्रेस के नेतृत्व के सामूहिक जीत है और उसके साथ साथ कर्नाटक के लोगों की जीत है। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, 13 तारीख की रात को नतीजे आए,